तो आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के दौर में हर वर्ग परेशान है इस वक्त। किसी को चिंता है आर्थिक बाजार की, किसी को चिंता है अपने परिवार की, और किसी को चिंता है कि हम कब देश में इन हालातों से निकल पाएंगे। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ अभी इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, जिसमें चर्चा की जाएगी कि लॉकडाउन को आगे कितनी तारीख तक बढ़ाया जाए। उसके बाद आज ये तय हो जाएगा कि लॉकडाउन 30 अप्रैल तक रहेगा या उसके बाद मई के महीने में भी जाएगा। लेकिन इस पूरे लॉकडाउन के दौरान कई मजदूर वर्ग परेशान हुए, देश की आर्थिक हालात किस और ले जाएंगे इसको अभी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर तय है कि 2008 की जो मंदी पूरी दुनिया ने देखी थी, हालत उससे खराब जा सकती है। और इस पे चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रमेश टहलियानी। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपीटी इंडिया के ऊपर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कोरोना महामारी के इस दौर में रियल एस्टेट सेक्टर का हाल क्या है, रियल एस्टेट सेक्टर को क्या चिंताएं सता रही हैं अभी? देखिए सर, जब भी कोई नई संकट आता है, परिस्थिति होती है या ऐसे हालात होते हैं, तो ऑफकोर्स शुरू जो सामने दिखता है वो नेगेटिव चीज़ें दिखती है, स्लो डाउन दिखता है, प्रोजेक्ट बंद होना दिखता है। पर मेरा अनुभव है कि हर संकट में अवसर छुपा होता है। अब तक जितने भी मंदी आई है, जैसे मैं 2008-09 की मंदी मैंने देखा था, मैंने बहुत बुरी उसका काफ़ी विक्टिम रहा हूँ। उस समय मैंने मेरी नौकरी चली गई थी और मैं डिप्रेशन में भी आ गया था, हॉस्पिटलाइज भी हो गया था। पर मैं आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उस समय ने दी है मुझे। तो ये वक्त है हमारे पास नई चीज़ें देखने का, एक्सप्लोर करने का। हाँ, ये संभव है कि 3 से 6 महीने तक रियल इस्टेट में जो अक्सर डिमांड रहती है उसमें हो सकता है थोड़ी कमी हो, लेकिन इस समय बिल्डर्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि अपने प्रोजेक्ट बनाएं, टाइम पे करें, अपने क्वालिटी अच्छे दें। और रही बात, हम हमेशा ऐसा होता रहा है कि जब तेजी होती है तो कई ऐसे प्लेयर भी बहती गंगा में हाथ धो बैठते हैं जो कि कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, पूरी तरह सही न डिलीवरी दे पाते हैं, न क्वालिटी होती है, वे भी बहती गंगा हाथ धो बैठे हैं। पर ये जब मंदी का माहौल या ऐसी संकट का माहौल, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि जो इसमें सर्वाइव कर जाता है वो लंबे समय तक चलता है। तो एक उन डेवलपर्स के लिए, रियल एस्टेट जुड़े लोगों के लिए समय है कि इम्प्रूव करें। अभी हो सकता है 3 महीने तक कंस्ट्रक्शन पे रुकावट रहे, सही तरह कंस्ट्रक्शन ना हो पाए, पर मुझे लगता है 3 से 6 महीने बाद अगर सरकार कोई पैकेज दे देती है तो मुझे लगता है रियल एस्टेट वापस जान लौट आएगी। क्योंकि रियल एस्टेट सेल के अलावा और भी कई चीज़ें होती है, कंस्ट्रक्शन, अगर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन होकर सीमेंट भी बिकेगा, सरिया भी बिकेगा, पाइप भी बिकेगा, लेबर भी होगी, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। और रही बात सेल की, तो अभी हो सकता है मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, अभी कई लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज़ है जीवन बचाना, तो जीवन रहा तो ये चीज़ें होती रहेगी। और मकान आज ऐसी चीज़ है, मकान ही तो काम आ रहा है अभी। आज अगर रियल एस्टेट की बात करें, अभी सभी लोग कहते हैं स्टे होम स्टे सेफ, तो अगर सोचिए अगर आपका अपना घर है तो कितना अच्छा होता। और अगर अभी आप किराए पे रह रहे होते तो आपको कई लोगों को झंझट भी है, किराया कैसे देंगे क्या देंगे, लेकिन अगर आपका घर होता तो किराए का झंझट नहीं होता। लोग सरकार ने EMI के लिए छूट दी है, किराए के लिए नहीं दिए। एनीवे, हमारे पास हर स्थिति के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। मैं पॉजिटिव चीज़ें देख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि 3 से 6 महीने बाद हम और मजबूत और स्ट्रांग होकर उभरेंगे और मंदी को मात देंगे। सरकार ने, RBI ने एक दिशा निर्देश अपील की बैंकों से कि बैंक जो टर्म लोन्स हैं उनकी EMIs को 3 महीने के लिए टालने की कोशिश करें, बैंकों से निवेदन किया RBI ने। इसको लेकर क्या लगता है कि रियल एस्टेट जो बाजार है उसने इस फैसले को किस तरीके से लिया है? वाकई जो होम लोन्स जिन लोगों ने लिए हैं उन्होंने अगर 3 महीने की EMI टाल दी तो उनके ऊपर तो बोझ बढ़ रहा है इसको लेकर। देखिए, इसमें दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जिनके पास सैलरी आ रही है, जो कई लोग ऐसे हैं जिनके वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या कई सरकारी विभागों से जुड़े हुए हैं, या कई ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम बंद नहीं हुई है, घर से काम कर रहे हैं, उन लोगों को मुझे नहीं लगता EMI देने प्रॉब्लम होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी थी। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, मेरी टीम गई या आज से या 10 साल 12 साल पहले जब मैंने ऐसा समय देखा था, उस समय के बाद मैंने प्लानिंग कर लिया था कि हमेशा 6 महीने तक का जो आपके खर्चे होते हैं EMI होती है वो हमेशा आपके पास
रिजर्व में रखना चाहिए, लिक्विड में रखना चाहिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो जिन लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग की थी उन लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की उन लोगों की सरकार की तरफ से या आरबीआई की तरफ से छूट मिली है, तो उस चीज़ को ऑफकोर्स 3 महीने का उनको थोड़ा नुकसान होगा ब्याज का, लेकिन एटलीस्ट उनका सिबिल ख़राब नहीं होगा। और ये उनके लिए एक सबक है कि भविष्य में कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है, तो ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से हमेशा तैयार रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे होते हैं, हम खर्च कर देते हैं या गैर जरूरती चीज़ों को भी ले आते हैं, लेकिन इस समय में इस मंदी से एक लोगों की सोच को बदलने का अवसर मिलेगा कि अगर आप नाजायज़ या गैर जरूरी अगर खर्चा कर रहे हैं तो उस खर्चे को कंट्रोल करें, और ऐसे ही आप अगर लिक्विडिटी बिल्डअप करेंगे, सेविंग बिल्डअप करेंगे, तो आपको ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और रही बात आरबीआई का धन्यवाद कि उन्होंने 3 महीने का समय दिया, अदरवाइज़ क्या होता था कि लोग ईएमआई नहीं दे पाते और उनका सिविल ख़राब हो जाता, तो आगे जाकर उनको टॉपअप में या फाइनेंशियल ट्रबल आ जाती। तो ये एक अच्छा कदम है और मुझे लगता नहीं 3 महीने से ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि आज चीन चाइना की बात करें तो वुहान 75 दिन में खुल गया था, और हमारे यहाँ तो थोड़ा वैसे भी देखा जाए तो तुलना करते हैं स्पेन से, इटली से, यूएस से, चाइना से, रशिया से, तो अपने यहाँ वैसे भी नुकसान कम हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो उन्होंने जो एक्शन लिया है रियली काबिल तारीफ है, और जो मुझे लग रहा है मई जून तक हम शायद वापस पटरी पर आ जाएंगे। ऑफकोर्स कई सोच परिवर्तन होगा, लेकिन चेंजेस आ जाना चाहिए, हमारे पॉजिटिव चेंजेस आ जाए, पटरी पर आ जाए। अच्छा, एक राजस्थान के ब्यूरोक्रेट्स में इस समय चर्चा चल रही है कि आर्थिक तौर पर आपातकाल लाया जा सकता है, आर्थिक आपातकाल की स्थिति सरकार को ब्यूरोक्रेट्स को दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको लगता है कि केंद्र या राज्य की सरकार को किसी प्रकार के एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान करना चाहिए? और भी हालांकि सरकार ने जनधन योजना, उज्ज्वला योजना के जरिए थोड़ी मदद जरूर पहुंचाई है, लेकिन फिर भी लगता है आपको जैसे कि एमएसएमई सेक्टर्स जो हो गए, स्टार्टअप्स जो हो गए या रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, क्या इनको किसी आर्थिक पैकेज की उम्मीद है? देखिए, सरकारी सिस्टम के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, और वैसे तो अगर देखा जाए मैं विदेशों की और सरकारों, जापान को देखूं, चाइना को देखूं, अमेरिका को देखूं, तो उन देशों ने अपने अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए आर्थिक पैकेजेस की घोषणा की है। तो हम आशा करते हैं भारत में भी ऐसी घोषणा होनी चाहिए। अब क्या होता है कि ये एक्चुअल आम आदमी को कभी पता ही नहीं चलता है कि सरकार के पास कितना फंड है या नहीं है। आज से 3 महीने 6 महीने पहले सरकार कहती थी हम आर्थिक संकट में हैं, फिर कहते करोड़ों रुपए हैं, कई बार ऐसी जगह खर्चा हो जाता है। तो एक एज अ कॉमन मैन, आम आदमी के नाते मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि सरकार के पास कितना पैसा है या नहीं है। देखिए, वैसे भी क्या होता है कि चाहे एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो, चाहे कंपनी हो, चाहे राज्य हो, चाहे देश हो, सबकी बजटिंग होती है, सबकी इनकम होती है, सबके खर्चे होते हैं। अगर कभी भी ऐसा होता है कि अगर आपके खर्चे इनकम से ज़्यादा होंगे तो आप ज़्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपकी हैबिट होगी सेविंग्स की, बचाने की, और कितना भी खर्चा हो जाए उसमें सेविंग करने की हैबिट होगी, इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट होगी, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, तो आप ऐसी संकटों का, ऐसी परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। मैं दोनों परिस्थितियों से गुजरा हूँ, तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि क्या ये संभव है, या किसी और मेरे परिचित के बारे में बता सकता हूँ कि क्या अगर उसकी इनकम से ज़्यादा खर्चे हैं तो ऑफकोर्स तो परेशानी में होगा, लेकिन जिन जिन ने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है उनको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। आज भी देखा जाए तो जो लोगों की आय है, चाहे एक सरकारी व्यक्ति की बात करें या एक आम बिजनेसमैन की बात करें, एक आम आदमी बात करें, हर व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हर महीने 10-20% तो बचा ही सकता है। अगर कोई रेगुलर हर महीने अपनी इनकम का 10-20% बचा दे, चाहे सरकार हो, चाहे कंपनी हो, चाहे व्यक्ति हो, तो ऐसी परिस्थितियों का सामना करने में दिक्कत नहीं आती है। हेलो, आ रही आवाज़ आ रही है। तो पैकेज के बारे में मैं शायद सही व्यक्ति नहीं हूँ जो बता सके सरकारी पैकेज के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, इस वक्त एक BNI नेटवर्क करके आप कुछ चला रहे हैं, ये BNI नेटवर्क क्या है और इस BNI नेटवर्क के साथ आप कौन कौन से व्यापारियों को शामिल कर किस तरीके से इस समय ग्लोबली व्यापार कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शक को जानकारी दीजिए। BNI के बारे में पूछा तो BNI की फुल फॉर्म होती है बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेफरल मार्केटिंग संस्था है जो कि करीब 35 सालों से है, और दुनिया में इसके करीब 2.5 लाख मेंबर हैं, भारत में भी करीब 34,000 मेंबर हैं 85 शहरों में। अभी 2 दिन पहले ही हमने अजमेर चैप्टर की लॉन्चिंग की थी। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हर परिस्थिति में अवसर छुपा होता है, हर चुनौती में अवसर छुपा होता है।
आज से 20 दिन पहले तक 25 दिन पहले तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि लॉकडाउन क्या, अब हम क्या करेंगे। रियल इस्टेट जो कि मेरा कोर बिजनेस है, उस बिजनेस में जब साइट पे विजिट नहीं होगी, साइट पे काम ही नहीं चलेगा, साइट पे लोग मकान ही नहीं देखने जाएंगे, प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे, तो खरीदें कहाँ से। और प्रॉपर्टी कभी अभी लोग का ध्यान है अपने स्वास्थ्य के ऊपर या अपनी जान बचाने के ऊपर या सुरक्षा के ऊपर, तो ऐसे में प्रॉपर्टी का नहीं रहता है। पर उसी समय में जैसे कि मैंने पुराना, मैं बड़े महान लोगों को पढ़ता रहता हूँ कि हर जगह आपको चुनौती, हर चुनौती में आपको अवसर मिल सकता है। तो मुझे BNI का एक अवसर मिला, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे BNI का अवसर मिला। BNI एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर, व्यापारी लोग मिलते हैं, अपने बिजनेस के बारे में एक दूसरे को बताते हैं और एक दूसरे को बिजनेस बढ़ाने में मदद करते हैं। ये काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और सक्सेसफुल तरीका है। साथ ही साथ ये एक नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन भी है कि जिसमें हम ग्लोबल नेटवर्क में शामिल हो जाते हैं। BNI में अधिकतर वही लोग शामिल होते हैं जो अपने बिजनेस में अच्छा काम कर रहे होते हैं, जिनकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन होती है और जो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, जिनका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन अच्छा है, जो क्वालिटी सर्विसेज में डील करते हैं। और दुनिया में जितने BNI मेंबर हैं उनको रेस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता है कि अगर BNI मेंबर है तो ज़रूर कुछ में कुछ अच्छी बात रही होगी, तभी BNI की मेंबरशिप उसकी हुई है। तो अगर आज मुझे दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत हो तो मैं BNI के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए कल को मुझे चाइना से या ताइवान से कोई मास्क इंपोर्ट करने पड़े, या मुझे ऐसी कोई किट बनाने जो कोरिया बना रही है, तो मैं वहाँ के BNI के मेंबर से कनेक्ट करके वहाँ से वो चीज़ें इंपोर्ट कर सकता हूँ। मुझे हो सकता है कि अभी BNI ने काफ़ी लोगों को हेल्प की, कई दुनिया भर में जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे, अजमेर में मान लो किसी का कोई रिलेटिव, तो हम एक हेल्प करते थे उसके रिलेटिव के जाके, या मेरे कोई परिचित थे जो सिंगापुर में थे या US में अटके हुए थे, तो हम जस्ट कनेक्ट कर सकते थे। तो एक दूसरे के हेल्पिंग की भावना होती है। BNI की फिलॉसफी है गिवर्स गेन, यानी अगर आपको देंगे उतना आपको उससे ज़्यादा आपको मिलता है। इवन ये सिर्फ BNI पॉलिसी नहीं, ये हमारे शुरू से हमारे शास्त्रों में भी बताया गया, हमारा इतिहास भी ये कहता है कि देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है और देने वाले की खुशी सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसी फिलॉसफी को बिजनेस के साथ जोड़ के काम करता है और इसी हिसाब से ये अभी शॉर्ट में बताना शायद मुश्किल हो पाएगा, लेकिन कभी इसके लिए अलग सेशन रखे, मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर लेंगे ये किस तरह काम करता है। एक चीज़ और मैं रमेश जी आपसे जानना चाहूँगा इस वक्त, क्योंकि कोरोना जो वायरस है उसका जो केंद्र है वो चाइना है, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी और हिंदुस्तान का बाजार अगर हम बात करें तो चाइना के ऊपर बहुत बड़े स्तर पे डिपेंडेंट है। ऐसे में कई लोग इस वक्त मुहिम चला रहे हैं कि चाइना के सामानों का बहिष्कार किया जाए, इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, कोरोना के आने से पहले और कोरोना के आदमी बारे में मेरे विचारों में थोड़ा परिवर्तन आया है। पहले लोग कहते थे कि विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया जाए, और ये एक तरह से एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सही बात थी, हमारे देश में ही होना चाहिए। बट हमारे देश की जो बिजनेस सिस्टम था वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर सकें। फॉर एक एग्जाम्पल दे दो, अगर मोबाइल की बात करें, इंडिया में मोबाइल बनते थे, माइक्रोमैक्स बनता था या जावा बनते थे, वो इतने कॉम्पिटिशन में खड़े नहीं उतर पाए जितना ओप्पो और वीवो कर पाए। तो कंपटीशन कारण हमें चाइना के पास जाना ही पड़ा। आज अगर चाइना वन प्लस मोबाइल दिया जो आईफोन से कंपेयर करते बेटर है, तो हम चाइना पर डिपेंडेंस थी। बट अब माहौल ऐसा हो गया है कि अब बाहर के प्रोडक्ट ऑफकोर्स हो सकते अच्छे हो, लेकिन जब जान की बात आती है, नैतिकता की बात आती है, जो लोग कहते हैं कि चीन से वुहान आया, चीन ने ये बायो वेपन क्रिएट किया है या चीन ने जानबूझ के फैलाया, अगर इस बात में सच्चाई है तो मैं भी इस चीज़ को कहूँगा कि हमें बहिष्कार करना चाहिए। और इवन अब सिर्फ भारत ही नहीं, विदेश को काफ़ी देशों में, इटली, जर्मनी, स्पेन, अमेरिका, सब लोगों ने जितना हो सके चाइना को बायकॉट करना शुरू कर दिया है और उसकी कंपनीज को बंद करने के, 25% कंपनी वर्ल्ड की, चाइना की कंपनी वर्ल्ड में वो शटडाउन हो चुकी है और उनको देशों ने उनको वापस जाने बोल दिया है। तो अगर चाइना का एक्सपोर्ट बंद होता है या चाइना से बिजनेस डाउन होता है, तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किसको है? इंडिया को। चाइना के बाद इंडिया ही एक ऐसी जगह है जहाँ जो वर्ल्ड को प्रोडक्ट की सप्लाई दे सकता है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग दे सकता है। बस अगर हम थोड़ा सरकारी से सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा हमारा जनता का भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहे और अपने व्यक्तिगत फायदे को छोड़ के अगर समाज के, देश के फायदे की सोच के काम करें, तो मुझे लगता है शायद 1 या 2 साल के अंदर हम चाइना से आगे निकल सकते हैं। मतलब ये अपॉर्चुनिटी है। आपकी जो राय है, आपकी आपका जो कमेंट है वो ये दिखा रहा है कि मेड इन इंडिया और इंडिया के स्टार्टअप्स को लोगों को बढ़ावा देना चाहिए इस वक्त? ऑफकोर्स होना चाहिए। अगर एक बार बताइए, 10 साल पहले तो मुझे लगता, मुझे मेरे याद ही नहीं चाइना की कोई चीज़ आती थी, हम रहते थे ना,
हम वन प्लस नहीं तो क्या हम नोकिया फ़ोन यूज़ करते ही थे, हम कोरिया की टीवी सैमसंग एलजी चलाते ही थे, हम एमजी एक्टर नहीं थे कि मारुति तो थी, इंडिया के टाटा थी, महिंद्रा की कारें थी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम इंडिया में नहीं बना सकते हैं? बस एक ही चीज़ है, कॉस्टिंग का। तो मुझे लगता है प्राइसिंग में अगर वर्कआउट किया जाए तो ऐसी कई चीज़ें हैं, तरीके हैं जिससे हम भी कॉस्टिंग कम कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए अगर मुझे 10-20% ज़्यादा भी कॉस्ट देना पड़ा और लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मेरे देश में जा रहा है, तो एज अ जिम्मेदार नागरिक मुझे देने में कोई हर्ज नहीं है, और मैं आशा करता हूँ और नागरिकों को भी हर्ज नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, आशा उम्मीद हमको भी है कि जब कोरोना महामारी के दौर से निकलेंगे तो कई नई जो चुनौतियां हैं उनसे पार होकर नए मेड इन इंडिया और स्टार्टअप्स इंडिया में शुरू होंगे और उनको इंडिया का जो बाज़ार है वो स्वीकार भी करेगा। एक मेरा सवाल ये भी है कि इस कोरोना महामारी के दौर से जब हम निकल जाएंगे, इस वायरस का जब इलाज भी ढूंढ लिया जाएगा, तो उसके बाद रियल इस्टेट बाज़ार में तेज़ी आएगी या बैलेंस रहेगा बाज़ार, जिस कीमत पे अभी रुका हुआ है वहीं रहेगा या उसमें उछाल आएगा, और आएगा तो कितने समय बाद आएगा? देखिए सुशील जी, मैंने पिछले कुछ समय से ये नोट किया है कि आप कोई भी कंसेप्ट ले लो, कोई भी बात कर लो, उसके प्लस और माइनस पक्ष और विपक्ष में तर्क मिल जाएंगे, तर्क भी मिल जाएंगे, कुतर्क भी मिल जाएंगे। तो ऐसे पॉइंट, ऐसे बातें भी बहुत सारी है जो रियल इस्टेट को तबाही की तरफ अग्रसर कर रही है, और ऐसी भी बातें हैं जो कह रहा है कि हमारे लिए आने वाला समय अच्छा है। अब अच्छा ऐसे है कि अब कई लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट का भरोसा नहीं है, शेयर मार्केट का भरोसा नहीं है, आधे को मार्केट इतना गिर गया, कम से प्रॉपर्टी रेट गिरी तो नहीं, इतनी तो नहीं गिरी। तो कई लोग कहते हैं कि आज इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें, बैंक में ज़्यादा रेपो रेट कम होगी, बैंक में एफडी का ब्याज कम मिलता है, तो ऐसे टाइम में रियल इस्टेट कम से सुरक्षित निवेश तो है। तो देखिए हर इन्वेस्टमेंट की अपने प्लस और माइनस होते हैं, और हर बात के अपने तर्क वितर्क होते हैं। मैं ये कहता हूँ आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपके ये आपके ऊपर है, आप पॉजिटिव सोचोगे कि नेगेटिव सोचोगे। मैं पॉजिटिव सोच रहा होता हूँ, मेरे सामने फूल है, मैं कांटों के बजाय खुशबू पे ध्यान दूंगा। अब वो औरों के ऊपर है या आप लोगों के ऊपर है या सबके ऊपर है कि खुशबू लें या कांटों को देखें, होगा क्या कर सकते हो? अगर आप नेगेटिव को सोचोगे तो नेगेटिव आएगा। हमने एक किताब पढ़ी थी सीक्रेट, कि हम जो चाहते हैं वो कि वो हमारे पास जॉब चाहते हैं, हमारे अट्रैक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। शाहरुख खान ने भी मूवी में कहा था कि जिस चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, देखो नहीं हो तो मैं अपना उदाहरण दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने पास सबसे ज़्यादा जानता हूँ। मैंने पिछली मंदी को अच्छी तरह सर्वाइव किया, और उस मंदी का मेरे को जिंदगी में मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी परिस्थितियाँ बनी है। अगर वो परिस्थितियाँ नहीं होती तो शायद आज मैं इस स्थिति में नहीं होता कि हम उससे इंटरव्यू लेते, मेरा मैं इस लायक नहीं होता। 10 साल पहले मुझे कोई नहीं जानते रहे, लेकिन आज ऐसी परिस्थितियाँ बनी जैसे लोग मुझे जानते हैं, मेरे व्यूज़ मांगते हैं। अब BNI का मुझे डायरेक्टरशिप बना दिया, सुख संपत्ति में मंदी रियल इस्टेट मार्केट में मंदी के कारण भी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, हमने पिछले साल ग्रो की है। अच्छा रही बात, मैं तो ये जानता हूँ पिछले 10 साल से जब से रियल इस्टेट कर रहा हूँ आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि रियल इस्टेट तेजी है। सभी कहते हैं मंदी है, मंदी है, मंदी है। अरे मंदी है तो रेटें बढ़ कैसे रही है? मंदी है तो आज जो वैशाली नगर में 3 साल में रेटें डबल कैसे हो गई? मंदी है तो यहाँ इतने फ्लैट क्यों बन रहे हैं? 3000 फ्लैट क्यों बन रहे हैं? सर ये कहने की बातें हैं, मंदी वंदी कुछ नहीं। हाँ ऑफकोर्स नेगेटिव लोगों से बात करोगे तो ऑफकोर्स मंदी है, पॉजिटिव लोगों से बात करोगे तो कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कोरोना महामारी का दौर है, इस समय का सदुपयोग कीजिए, सकारात्मक बातें कीजिए, नेगेटिव बातों को नजरअंदाज कीजिए। अब मैं एक आखिरी कमेंट एक चीज और ऐड कर सकता हूँ। 1920 में भारत में महामारी फैली थी, शायद स्पेनिश फ्लू था या प्लेग से महामारी फैली थी। उसमें उस टाइम जब 4-5 लोगों की मृत्यु हुई थी भारत में, 3 से 4 लोगों की। अब सोचिए आज से 100 साल पहले जब ना टेक्नोलॉजी थी, न इतनी चिकित्सा सुविधाएं थी, उसके बाद इतनी मृत्यु भी हुई थी, उसके बाद भी भारत फिर खड़ा हुआ ना। भारत ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, विश्वयुद्ध का दौर भी देखा, उसके बाद तरक्की भी हुई। तो सर मानवता खत्म नहीं, इंसान इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है, इतना सक्षम है कि वो किसी भी परेशानी से, किसी भी चुनौती से लड़ सकता है। ऑफकोर्स आज भी बड़ी महामारी है, लेकिन जब हम 100 साल पहले प्लेग से लड़ सकते हैं, ऐसी जब महामारी से लड़ सकते हैं जब सुविधा नहीं थी, तो आज तो बेहतर है। हो सकता है हमारे से जानमाल का नुकसान होगा, लेकिन हमारे की सबक भी तो आ रहे हैं, हमारी जिंदगी कितने सकारात्मक परिवर्तन भी आ रहे हैं। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है हर कोई व्हाट्सएप पे दिन भर में इस तरह के मैसेज आते होंगे, वो देखते होंगे। बिल्कुल, हिंदुस्तान इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, और दुनिया में नए आयाम स्थापित भी हिंदुस्तान करेगा कोरोना वायरस को हराने में। एक मैं आखिरी भी आपसे जवाब और चाहूंगा,
ये लॉकडाउन जो है ये यहीं तक सीमित रहना चाहिए या इस लॉकडाउन को आगे और बढ़ाना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि जहाँ पर दिक्कत है, स्थिति खराब है, जैसे जयपुर में आज केसेस आ गए काफ़ी और जोधपुर में भी हो गए, तो ऑफकोर्स वहाँ तो लॉकडाउन बढ़ाना ही चाहिए, पर जहाँ पर स्थिति कंट्रोल में है वहाँ पे शायद लिमिटेड छूट दी जानी चाहिए, पर डिपेंड करता है एक्सपर्ट्स के ऊपर। मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, थिएटर स्कूल वगैरह ये तो खोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे ग्रॉसरी शॉप्स हैं, सब्जी फल की दुकानें या जो ऑफिस बैंक्स वगैरह हैं, इनमें छोटा मोटा वर्किंग तो शुरू की जा सकती है सेफ्टी के साथ। मैंने कुछ वीडियो देखे थे चाइना के वुहान के, तो उन्होंने 60-70 दिन पर शुरू किया था, तो लिमिटेड करके किया था, इसलिए आज वो इतना सही तरह से पालन कर पाए। ऑफकोर्स 30 अप्रैल तक तो शायद होगा ही होगा, उसमें मेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता, बट मुझे लगता है कि अगर देश के लिए जरूरी है लॉकडाउन तो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं सर, 1 महीना और कर लेंगे, जीव जान है तो जहान है, जीवन बच गया तो सब चीजें आ जाएंगी वापस, जीवन नहीं रहा तो क्या करेंगे। चलिए ठीक है, आरटीवी इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जान है तो जहान है, बिल्कुल, और अर्थव्यवस्था एक बार फिर हिंदुस्तान मजबूत करेगा, हालात चाहे कैसे भी हो, उन हालातों से निपटना हिंदुस्तान को बहुत अच्छे से आता है। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बच्चों का और बुजुर्गों का खास तौर पर ख्याल रखिए, और हर 1 घंटे में अपने हाथों को साबुन से धोते रहिए।